लेकर आ गए हैं हम एक और विलेन के ओरिजिन को, जो कि रिलेटेड है हमारे स्पाइडरमैन से ही। तो आपको अगर ऐसे ही विलेन के ओरिजिन के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो आप हमारे विलेन के ओरिजिन वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। उसको देखने के बाद आपको ये चैनल अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम रोज ही ऐसे वीडियोस लेकर आते हैं जिसमें आपका पूरा एंटरटेनमेंट होता रहे। तो और ज़्यादा आपका समय बर्बाद ना करते हुए चलिए सीधा चल लेते हैं वीडियो की तरफ। एलेक्सेई शोस्टाकोविच, जैसे कि आप इसके नाम को ही देखकर जान सकते हैं कि एक रशिया का माफिया था, जिसको आप बेटर जानते हैं राइनो के नाम से। तो कॉमिक बुक्स में इसकी स्टोरी शुरू हुई थी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 41 में, जो कि रिलीज हुई थी 1966 में, और जहां बड़े पर्दे पर हमने इसको पहली बार देखा था दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के सेकेंड पार्ट में, जहां पर इसके अपीयरेंस और लुक को देखकर हम ये क्लियरली बता सकते हैं कि कॉमिक बुक से इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बदल दी गई थी हमारे मूवीज में, जहाँ पर इसका पोर्ट्रेल एकदम ही बेकार था और कॉमिक बुक से ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ही लग रहा था, जिसकी कॉमिक बुक स्टोरी आप अभी जानने वाले हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है रसिया से, जहाँ पर ये बताया गया है कि 1977 में इसका बॉर्न हुआ था, और ये पहले से ही काफ़ी ज़्यादा दिमाग से पैदल और मस्कुलर और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखने वाला बंदा था। जहाँ इसी बंदे का दिमाग कुछ अलग ही टाइप का चलता था, जहाँ पर इसका ऐसा सोचना था कि आखिर बिना ज़्यादा मेहनत करे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। इसके इसी चाहत ने ही न्यूयॉर्क में इसको शिफ्ट करवा दिया, और वो आगे जाकर न्यूयॉर्क का ही एक छोटा सा माफिया बन गया था। वो कभी इतना ज़्यादा पैसा कमा तो नहीं पाया, जहाँ पर इसके रास्ते में ही एक मुलाकात हुई थी दो साइंटिस्ट की, जिनका नाम जॉर्जी और आइगर था, जिन्होंने राइनो को देखने के बाद ही अपने एक्सपेरिमेंट में हिस्सा बनाने की सोच ली थी, क्योंकि राइनो दिखने में ही फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, लेकिन दिमाग से उतना ही ज़्यादा बेवकूफ़ था। तो उन दोनों ने मिलकर राइनो को कन्विंस करते हुए ये कहा कि हमारे एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन जाओ, और आगे जाकर हम तुम्हें ढेरों मिशंस और ढेर सारे पैसे देंगे। तो राइनो की जैसी सोच थी, उसी सोच के कारण ही वो इसमें कन्विंस हो गया और आगे जाकर इन एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन गया। जिस एक्सपेरिमेंट का मोटो ये था कि राइनो के बॉडी में हैवी रेडिएशन पास किया जाएगा, और इसके साथ ही काफ़ी हार्ड पॉलीमर टाइप का मटेरियल इसके बॉडी से परमानेंटली फ्यूज करवा दिया जाएगा, और उसका नाम आगे जाकर राइनो दे दिया गया जब ये एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ। और जैसे कि उन दोनों ने वादा किया था हमारे राइनो को ढेर सारे मिशन देने का, तो उसका फर्स्ट मिशन बनता है हमारे जे जोना जेमिसन के बेटे को किडनैप करने का। तो जब इसी मिशन के टाइम पर हमारा राइनो फर्स्ट मुलाकात करता है हमारे स्पाइडरमैन से, तो उसी मुलाकात में ही हमारा स्पाइडरमैन पहली बार इजीली राइनो को हरा देता है, और हराने के साथ ही उसे पुलिस के हवाले कर देता है, और राइनो पर ढेरों सारे एक्सपेरिमेंट किए गए उसके पावर्स और उसके बॉडी के वो सूट को जानने के लिए। तो राइनो इसी चीज़ से ब्रेकआउट करके निकल पड़ता है, लेकिन फिर से उसकी मुलाकात हमारे स्पाइडरमैन से हो जाती है, जहां पर हमारा स्पाइडरमैन उसके सूट पर रिसर्च करके हमारे डॉक्टर कॉनस के साथ ऐसा एक फ्लूड बनाया हुआ था, जिससे वो अपने वेब भी डिज़ाइन करता है, जिसको सूट करने के साथ ही हमारा राइनो के बॉडी में लगा हुआ वो कवर, या फिर मैं कहूँ तो सूट, पूरा का पूरा मेल्ट हो जाता है। और इसी चीज़ के साथ ही हमारे राइनो की दी एंड हो जाती है, और वो वापस से अपने जेल के अंदर चला जाता है। लेकिन यही चीज़ हमारे राइनो का दी एंड नहीं था, क्योंकि एंड में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि दो वो साइंटिस्ट फिर से हमारे एलेक्सी को जेल में मिलते हैं और पैसे देकर उसे जेल से छुड़वा देते हैं, लेकिन इस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मटेरियल के साथ आए थे, जिसको वो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ बनाए हुए थे। वो मटेरियल को फिर से हमारे राइनो के साथ बॉन्ड करवा देते हैं, लेकिन ये वाला बॉन्ड परमानेंट था, जिसको हमारा स्पाइडरमैन भी डॉज नहीं कर पाया, और इससे जाकर आगे फिर से हमारे राइनो की रिटर्न हुई हमारे कॉमिक बुक के। इसके अपीयरेंस के बारे में, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये राइनो टाइप का ही दिखाई देता था, जहाँ पर इसके बॉडी में वो दो साइंटिस्ट के खातिर ही काफ़ी ज़्यादा हार्ड मटेरियल का पॉलीमर इसके बॉडी से कम्प्लीटली फ्यूज हो चुका था, जो कि बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हैवी इंपैक्ट से भी इसको बचाता था, और हमारे राइनो के जैसे ही एक सींग इसके सर पर लगा हुआ था। और लगे हाथ उसके पावर्स के बारे में बात करें, तो बीस्ट जैसे इसकी स्ट्रेंथ थी और अमेजिंग ड्यूरेबिलिटी थी उसके सूट के कारण ही, और इसका गजब का स्टैमिना भी उसके रेडिएशन के कारण ही मिली हुई थी। और इकलौता वीकनेस के बारे में इसकी बात करें, तो नो डाउट ये दिमाग से काफ़ी ज़्यादा बुद्धू था, लेकिन बॉडी से काफ़ी ज़्यादा हैवी था और पावरफुल था, लेकिन अपने दिमाग के वीक होने के कारण ही वो पावर को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाता है, और हरदम ही हमारे स्पाइडरमैन से मात खाता रहता है।
तो ये थी हमारी ओरिजिन स्टोरी वाली वीडियो हमारे राइनो के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और आपको अगर ये चैनल पसंद आए और ये कंटेंट पसंद आए तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो बगल में पड़ी हुई बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मैं मिलूँगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।